गाइस कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वेल, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सवाल कुछ सब्सक्राइबर मेरे मित्रों को आया है, क्या हम स्वाइपेबल सिस्टम के साथ जाए या विदाउट स्वाइपेबल सिस्टम के साथ जाए। और ये सवाल क्यों उठ के आता है वो मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली बाउंस कंपनी ने इन्फिनिटी को लॉन्च किया जो कि स्वाइपेबल टेक्नोलॉजी के साथ आता है एंड विदाउट स्वाइपेबल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब दोनों ऑप्शन है। और एक तरफ है ऐसी इंडस्ट्री जिसमें स्वाइपेबल सिस्टम नहीं है, सिंपल आपको घर पे ही चार्ज करना है, तो कौन सा बेटर है, ये आपके मन में बहुत सवाल आता होगा। चलो एक एक करके बात करते हैं कि दोनों के प्रोस क्या है कौन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्वाइपेबल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर एक एरिया में और बोल सकते हो ऐसे ऐसे हर एक किलोमीटर में एक ऐसा स्टेशन जहाँ पे बैटरी चार्ज होती है, और अगर आपकी बैटरी जो भी गाड़ी में जो बैटरी है अगर वो ख़त्म हो जाती है तो वहाँ जाके आप मोबाइल के थ्रू आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, बैटरी चेंज कर सकते हैं एंड देन यू गुड टू गो। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपको चार्जिंग के लिए कहीं वेट नहीं करना एंड आपको कहीं पे प्लग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्वाइपेबल स्टेशन ढूंढना है, वो भी आपके मोबाइल पे शो करेगा कि कहाँ पर है वो चेंजिंग स्टेशन, तो वहाँ जाके कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको बार बार जो होता है ना एक डर कि रेंज अगर ख़त्म हो जाती है तो क्या, बैटरी का रेंज ख़त्म हो जाता है तो क्या, तो ये डर को खत्म करने के लिए स्वाइपेबल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। दूसरी ये चीज़ है कि आपको चार्जिंग के लिए वेट नहीं करना, जस्ट के 5 मिनट और मैक्सिमम जितने देर में आपने स्विच किया उतने देर में ही आपका काम खत्म, तो इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं। सिंपल आपने चेंज किया, गाड़ी चलाया, फिर अगेन ख़त्म होने जा रहा है, फिर आपने चेंज किया, लेकिन हाँ हर चेंजिंग का आपको 35 रुपीज देना पड़ता है। तो एक चीज़ ये है कि पैसा दे के आपको चार्जिंग बैटरी तो मिल रही है लेकिन पैसे तो कट रहे हैं। अब आते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, यानी कम पैसे में आपको चार्जिंग की बैटरी मिल जा रही है एंड बैटरी कैसी होगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ आपको चार्जिंग वाली बैटरी मिल जाती है 35 रुपीज़ है। फिलहाल डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ आती है स्वाइपिंग नेटवर्क में, तो मेरे हिसाब से शायद ये प्राइस धीरे धीरे घट सकता है। चलो अब ये तो बात होगी स्वाइपिंग की, अब नॉन स्वाइपिंग वाली जो कंपनियाँ हैं जैसे ओला हो गई, एथर हो गई, सिंपल वन भी देखने मिला, रिवोल्ट के स्वाइपेबल है लेकिन वो बेसिकली स्वाइपेबल स्टेशन कुछ कुछ बनाए, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, कुछ कुछ बनाए, लेकिन बाउंस कंपनी का पूरा प्लान है कि स्वाइपेबल टेक्नोलॉजी पे वर्क करने का। तो अगर मैं नॉन स्वाइपेबल में देखूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जिस तो बैटरी का रेंज काफ़ी ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो स्वाइपेबल बैटरीज होती है, उसकी रेंज कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा कैपेसिटी एंड यहाँ पे जो बैटरी है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की मिलती है, और आपने जो बैटरी यूज़ किया है, जो परचेस किया है, वही बैटरी आपकी हमेशा तक रहेगी जब तक वो बैटरी ख़राब नहीं होती है। लेकिन अगर मैं उस कंडीशन में बोलूँ स्वाइपेबल टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूँ तो वहाँ पे बैटरी किस कंडीशन की है वो आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे स्वाइपेबल सिस्टम नहीं है वहाँ पे एक कंडीशन बहुत अच्छी है कि बैटरी क्वालिटी अच्छी रहती है एंड लाइफ अच्छी रहती है बैटरी की, तो इससे आपको घबराने की टेंशन नहीं रहती कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये सिस्टम नहीं रहता है। चलो ये तो बात हो गई इसके दोनों प्रोस की, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस पे ज़्यादा रिलाई करना है। अगर आपको चार्जिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, स्वाइपेबल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्वाइपेबल पर ज़्यादा नहीं जाना है, आपके पास इतना टाइम है कि आप चार्ज करके अगले दिन सुबह गाड़ी स्टार्ट करके ले जा सकते हैं, अच्छा खासा किलोमीटर कवर करके वापस आ सकते हैं उस रेंज के अंदर, देन आपके लिए नॉन स्वाइपेबल गाड़ियाँ भी ज़्यादा अच्छी है एंड वो लोग हाइपर चार्जिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी कंपनी, कुछ कुछ कर रही है, कुछ कुछ नहीं कर रही, लेकिन इन फ्यूचर वो भी करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वही कहानी है ना, अगर चार्जिंग करने खड़े होते हैं तो भी 18 से 20 मिनट लगना ही लगना है, उसमें भी आपको 70 से 80 किलोमीटर का रेंज मिलता है। अगर इतना टाइम है आपके पास तो सबसे बेस्ट वही है, अगर टाइम नहीं है तो स्वाइपेबल। अब आते हैं कॉन्स की, सीधे से कॉन्स में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते, कॉन्स की बात करते हैं। स्वाइपेबल में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो जो बैटरी है जो आपने स्वाइपेबल से उठाई है वो बैटरी क्वालिटी कैसी आपको नहीं पता, कब की मैन्युफैक्चरिंग है, कितने साइकिल हो चुके, ये सारी चीज़ आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्या वो 85 किलोमीटर जो बता रहा है वो ऐसा तो नहीं कि 85 किलोमीटर से पहले ढूस हो जा रही है तो आपके 35 रुपये भी चले गए एंड बैटरी क्वालिटी कैसी आपको पता नहीं है। अगर दूसरे कॉन की बात करें वो पूरा डिपेंड करता है कि स्वाइपेबल टेक्नोलॉजी में अगर बैटरी स्वाइप करते तो बैटरी ज़्यादा वेटेड नहीं कर सकते, तो कम वेट की बैटरी है दैट मीन्स रेंज भी कम मिलता है, तो यहाँ पे इन गाड़ियों में रेंज काफ़ी कम है, मैक्स टू मैक्स 70 to 80 किलोमीटर, उसके बाद आपको बैटरी स्वाइप करवानी ही करवानी पड़ेगी। अब बात आती है कौन की नॉन स्वाइपेबल बैटरीज की जो कि हाई रेंज की गाड़ियाँ होती हैं, तो सबसे पहला कौन होता है कि आप कहीं पे भी इसके बैटरी को स्वाइपिंग कर सकते हैं, आपको चार्ज ही करना पड़ेगा, चार्जर कैरी करना पड़ेगा और चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम इतना तो होता ही होता है।
इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक रेंज का एक वो होता है ना, फोबिया हो जाएगा कि यार रेंज इतना ही है, इसके अंदर ही मेरे को कैसे भी करके आना है। अगर उस किलोमीटर से, अगर सपोज करें 5 से 10 किलोमीटर पे आपको थोड़ा सा काम भी है, फिर भी आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे को वापस भी आना है घर उसी चार्जिंग में। तो ऐसे में क्या होता है, लोग थोड़ा सा वो हो जाते कि यार रेंज कॉन्शियस हो जाते कि रेंज हमको ज़्यादा नहीं मिला, तो ये थोड़े से ड्रॉबैक है। आई होप समझ में आया होगा कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास टाइम कम है एंड आपका 80 किलोमीटर से ज़्यादा का रन नहीं है, देन स्वाइपेबल टेक्नोलॉजी इज मस्ट और बेस्ट आपके लिए रहेगा। कम प्राइस में काम हो जाएगा और बार बार आपको चार्जिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपका मेन कंसर्न है कि गाड़ी लंबे समय तक चले, बैटरी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए एंड आपके पास चार्जिंग के लिए टाइम है, देन आप जा सकते हैं नॉन स्वाइपेबल टेक्नोलॉजी पे। वैसे भी इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाएगा, हाइपर चार्जिंग आपको मिल जाएगा, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो चार्ज करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा लेना सही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नया तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छे तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।